ये वर्तमान, ये भूतकाल, ये भविष्यकाल,
भूत भविष्य वर्तमान, तीन समय होते हैं, तीन काल होते हैं, तीन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, बराबर तीन होते हैं। जरा ध्यान से सुनना, अब इतना कमाल है, इतना कमाल कि जो तीन काल की पर्याय कहो, तीन काल की अवस्थाएं कहो, तीन काल की दशा कहो, उसमें वर्तमान का भूतकाल में अभाव है। क्या बोला? वर्तमान का भूतकाल में अभाव है। क्या बोला? वर्तमान का भूतकाल में अभाव है। अभी हम जो जी रहे हैं वर्तमान में, इसमें भूतकाल का अभाव है। वर्तमान का भूतकाल में अभाव है, वर्तमान काल का बस परिभाषा पूरी होगी। प्राग भाव, प्राग भाव मतलब वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। बोलो फिर से, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में, अवस्था में, हालत में, दशा में अभाव। अब देखो कितना महामंत्र है जी, महामंत्र, सुखी होने का महामंत्र। समझ में आ गया तो आप सुखी हो जाओगे। प्राग भाव को कभी एक बार बोलो, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में नहीं होना, अभाव होना, इसका नाम प्राग भाव। परिभाषा याद हो गई? प्राग भाव बोलो, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में नहीं होना, इसका नाम अभाव। सब जाते का फर्क पड़ जाए, यही तुम्हें बताना है, तुम्हारा वर्तमान सुरक्षित है। तो हम दुखी क्यों होते हैं? हम वर्तमान का भूत में अभाव ना जानकर, हम वर्तमान में रहते हुए भूतकाल में सुधार करने के नाम पर दुखी होते हैं। ध्यान से सुनना, हम वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप में से किसी को वर्तमान में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भूतकाल में इंटरफेयर करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, हे भगवान बदल दे, इस चक्कर में दुखी होती हो। जबकि भूतकाल की पर्याय तुम्हारे वर्तमान में कुछ नहीं बिगाड़ रही, भूतकाल की गरीबी वर्तमान की अमीरी में क्या बिगाड़ रही। मैं सरल दृष्टांत देता हूँ, दो तीन जल्दी जल्दी समझ में आएंगे आपको। बोलो भाई, एक व्यक्ति ने 10 दिन से भोजन नहीं किया, क्योंकि किसी ने दिया नहीं, लेकिन वर्तमान में उसके सामने बढ़िया सुंदर थाली लगी हुई है, स्वादिष्ट व्यंजन है उसमें, तो उसे क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? फिर से सुन लो प्रश्न, 10 दिन से भोजन नहीं किया और अभी थाली लगी, क्या करना चाहिए? बोलो हैं? इतना सरल गड़े थे, खाना चाहिए। लेकिन आपने बताएं, जो अज्ञानी क्या करता है, मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मिथ्या दृष्टि वर्तमान में आनंद नहीं करता, वर्तमान में पूजा का आनंद नहीं लेता, वर्तमान में प्रवचन का आनंद नहीं लेता, वर्तमान में आत्मा का आनंद नहीं लेता, वर्तमान में इतना मजा है तो भी नहीं लेता, भूतकाल का रोना रोता है। पता, 4 महिलाएं यदि मिल जाए पड़ोसन मोहल्ले की, तो भूतकाल के रोना रोती है कि वर्तमान का आनंद ले रही है? ये 4 जने सुनाई नहीं, परसों हमारी सास ने ऐसी करी, 2 महीना पहले पप्पू के पापा ही ऐसे नाराज हो गए थे, उन्हें रोना पुराना पुराना पुराना, हम शादी में गए थे वहां इज्जत नहीं करी। सुना, जो वर्तमान में नहीं जीते उनकी इज्जत कोई नहीं करता। क्या बोला है? जो वर्तमान में नहीं जीते उनको, इन बच्चों के सामने इनकी मम्मी रोना रोए, बेटा तुम्हें कहा पता कैसे तुम पेट में आ, अबे कितने दर्द हो, अबे कैसे तुम्हें जन्म दो, अबे कैसे हम पाल पाल के जी को, कल हम मर गए बेटा, तुम्हें कैसी कीमत ही नहीं है। सही बता ना, बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मम्मी सोचती जी हम पे दया करे, वो दया मजा कैसे नहीं करता है। सही बात है कि नहीं? बता, जब भी मम्मी दुखी होती है क्या करती, बता, बच्चों को अपना रोना सुनाती है, बेटा कहा बताए तुम्हें कैसे पालो, लीवर खराब होगा तो तुम्हारा रात रात भर बुखार रहता, हम कैसे तुम्हें हाथ में लाए घूमत देते,
तो अब क्या हम क्या करें? पॉइंट समझ आ गया भूतकाल का। सम्यक दृष्टि वर्तमान में जीना जानता है, मिथ्या दृष्टि भूतकाल का रोने के चक्कर में सम्यक दर्शन नहीं कर पाता। एक दृष्टांत है बस, और क्यों दृष्टांत बोले, यदि आपके महल में माने घर में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले पानी डालना चाहिए, लेकिन नहीं, मिथ्या दृष्टि ऐसा थोड़ी करता है। मिथ्या दृष्टि का रुको पहले मीटिंग बुलाओ, ये बताओ जी आग कितने बजे लगी? वो कह रहा रात के 3 बजे हैं, 3 बजे तो हम उठे थे, तब तो नहीं लगी थी। नक्की करो कितने बजे लगी थी, तो 4 बजे लगी हुई है। ऐसे कैसे 4 बजे लगी हुई? करेक्ट टाइम बता। और आज शुरू कहाँ से भाई? ओके, और कागज से शुरू भाई, कि शॉर्ट सर्किट से हुई, कि गैस से भाई, भला से भाई मीटिंग करा था, तो कितना चल गया होगा, कितना नुकसान हो गया, पहले मीटिंग करो। अरे भले आदमी पहले नंबर है यार, हो जा ऐसे ही, पहले में पहले तू आत्मा को जान, पहले में पहले तू आत्मा को जान, भूतकाल का रोना बंद कर। चलू आगे चल। जब भी ठंड के दिन होते हैं, ठंड के दिन लोग बहुत हाथ तापते हैं, 8-10 लोग बैठ गए, 4-6 लोग बैठ गए, वो गुर्सी में आग लगा के काय में क्या कहलाती आती है, जो भी अलाव जला लिया, गुर्सी कहते हैं कहीं, ऐसे बैठ गए और अपने बैठे। अब क्यों वर्तमान की चर्चा करते हैं कि भूतकाल की? सब भूतकाल की। बारात में गए थे, वो गिलास अभी तक नहीं मिला। वहां गए थे तो यहाँ सो राय तो बनो कहा बता भाई, हम तो उनके तो हार गए, इतनी मिर्ची डरी थी उनके वहां में। अब क्या करें, मिर्ची तुम खा चुके और बाको उत्पाद गए हो चुके, शरीर में तक नहीं बची, लेकिन अभी तक रो रहे तुम बैठ गए। अब तक एक बार उनके साथ तीर्थ यात्रा गए थे, भैया कहा सुना है, कहा सुना है, मत सुना। आपको पता है भूतकाल का स्मरण अनंत दुख है। किसी के घर में गए, उनकी बहू बहुत अच्छी थी, तो मेहमानों ने तारीफ करी, आपकी बहू बहुत अच्छी है। अरे कहा बताएं, अपन में से सुधरी, जब आई थी 18 साल की हदी, तब हम कहा बताएं कछु नहीं आते हैं। अब पुरानी सुनाने लगे, पता ना जो बहू सुधर गई है उसे कैसा लगेगा ये पुरानी बातें सुन के, बताओ। दुख यही तो है, यही तो है। अब बोलो ये सुखी होना है, सुखी बोलो हाँ या नहीं तो बोलो। सुखी होना हो तो एक काम करो, बीती ताही विसार दे। सुनी होगी, रात गई बात गई, मतलब अगले दिन इसलिए भोजन नहीं कर पा रहे शांति से, पिछले दिन वो झगड़ा चल रहा, रोटी खा जा रहे और चिल्ला जा रहे, काय कल तुमने कहा गई थी, कहाँ गई थी तुम, काय कर रहे थे तुमने रुपये इतने काय खर्चा करे? अरे तो शांति से रोटी से जेलो भाई। आपने देखा है भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में रोटी शांति से नहीं खा सकते, वो बल्ब फेज होगा, वो मोड़ा पड़क नहीं है, तुमने छेड़छेड़ा रखा, हम तो थक गए क्या कह गए, ऐसा रोटी खाओ ना शांति से। कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहे? वर्तमान में जीना सीखो, शांति से रोटी खाओ, मौन पूर्वक खाओ। अभी मिथ्या दृष्टि मौन पूर्वक भोजन नहीं कर सकता, और जैसे जैसे मौन पूर्वक भोजन करे तो फिर पटरानी बोले जा, तुम सुनाते ही नहीं हो, तुम ध्यान ही नहीं दे, तुम तो आलसी हो, तुमसे 10 बजे कह रही थी वो शक्कर ले आई हो, तुम लाए ही नहीं, तुमसे कही थी मोड़ा की फीस चुका दी, तुमने अभी तक ध्यान ही नहीं दे, हमने कही थी तुम वहां गए थे करल, वहां से वो लेते आते, अब वो तुम लाए ही नहीं। मैं बुंदेलखंडी में ऐसे कहता हूँ, जे रोटी खात बे प्राण खात। प्रॉब्लम समझ आ रही है? भूतकाल की प्रॉब्लम अनंत दुख है। तो भूतकाल को याद क्यों करते हो?
मैं फिर से कहता हूँ, वर्तमान पर्याय का भूतकाल में अभाव है, इसलिए वर्तमान में कोई चेंज कर सकते हो? मतलब भूतकाल में कोई चेंज कर सकते हो? तो चलो कर ही दे, चलो कोई कर सकता तो करके दिखा दे। महावीर भगवान भी चाहें कि उनकी भूतकाल की शेर की पर्याय बदल जाए, वो नहीं बदल सकते। तुम भूतकाल के विचार बदल दो, चलो बदल दो, बदल दो, कोई ताकत हो तो बदल दो। मैं इसके लिए बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं, पॉइंट पकड़ना बहुत काम का पॉइंट है। कई लोग ऐसा कहते हैं, भूतकाल का विचार करने से तो आलोचना होती है, प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण नाम सुना? प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ पढ़ा होगा, आलोचना पाठ। भूतकाल की बातें लिखी मांग, तो पंडित जी भूतकाल की बातों से तो प्रतिक्रमण होता है, आलोचना होती है, तो वो तो करें कि नहीं करें? कि सुनो, वो उंगली पकड़ करके चलना सिखाने वाली बात है। ध्यान रखना, गलती होने पर खेद नहीं हो तो अपराध है, और गलती होने पर खेद ही तरक रहो जे महा अपराध है। क्या बोल गया? क्या बोला? गलती हो गई हो तो मैं सॉरी नहीं बोली, ये गलती है, और सॉरी बोला तो सॉरी भी गलती है। क्या कभी तुम्हारा पैर लग जाए किसी को, घर में लग जाए, निकलते में लग जाए, अभी यहाँ से उठ के अभी जा भीड़ में से, तो लग जा पैर, तो एकदम सॉरी नहीं बोलो तो ही बुरी बात है। ए सॉरी, माफ करना, क्षमा करना, बढ़िया बात है, कोई बात, लेकिन तो ए माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, तो जी कैसे ढोर है। भाई गलती हो गई उसका तो आप अफसोस कर लो, लेकिन अफसोस में मत लगाओ। अब सुनो, ये गलती आगे ना हो इसका उपाय करो। क्या कह रहे हैं? ये गलती आगे ना हो इसका उपाय करो। तो क्या उपाय है उसका? उसका निर्णय करो। जैसे एक दृष्टांत दे, एक बच्चे ने ऐसा नियम लिया, हम गाली नहीं देंगे, तो गदा नाम की गाली नहीं देंगे। प्रतिज्ञा कौन सी करी उसने? गदा नाम की गाली नहीं देंगे। बहुत अच्छा बच्चा था वो। अब एक दिन वो गुस्सा में निकल गई। आपने देखा कोई गाली देता है कि निकलती है? अरे बोलो, आप गाली देते हो या गुस्सा में निकल पड़ा था? हाँ या ना तो बोलो, बोलो। अब निकल गई गुस्सा में, एकदम गुस्सा में निकल गई गाली, गदा निकल गई गाली। अब आगे सुनो, अब क्या करना चाहिए इस बच्चे को? निकल गई तो निकल गई, आगे से नहीं देंगे। लेकिन जे तो प्रायश्चित के नाम पर, आलोचना के नाम पर, प्रतिक्रमण के नाम पर मंदिर में आ गए, हे भगवान ऐसा नहीं, गदा कह रही, गदा कह रही, गदा कह रही, हमें गदा नहीं कहने थी, गदा नहीं कहने थी, कैसे हम दुष्ट हैं, हमने गदा बोल दी, आज तो बहुत बुरा लग रहा, गदा बोल दो, कितनी बार गदा बोल दिया। बोलो, अरे अब निकल गई, क्या कह रहे? अब तो तुम नहीं नहीं कर रहे। आपने देखा होगा सांप निकल गया लाठी पीटने से क्या होगा, सुना होगा आपने? आपने सुना होगा गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, है क्या कहते हैं? गड़ी नहीं, नहीं गड़े मुर्दा नहीं उखाड़ो, गड़े मुर्दा नहीं समझते, गड़े मुर्दा मत उखाड़ो। हाँ पुरानी बातें मत उखाड़ो। देख ले ना, घर घर में जब क्लेश होता है ना, नई नई बातों का क्लेश होता है। जैसे बच्चा आज बहुत अच्छा है, फिर भी अम्मा के तुम बहुत बुरी रहती, 5 साल के थे तो ऐसे नाक पहुंचाते, अब जो कहा करो विचार। सुनो, तुम 2 साल तक बिस्तर ही गीले कर रहे थे, और कोई भी हाथ में ले तुम्हें गोद में हो, तुम झट कपड़ा कर देते खराब, अब जो कहा करे तुम बताओ क्या कर दिया काम? तुम कहो अम्मा को दिमाग भाई गड़े मुर्दा मत उखाड़ो, और क्या करें? पुरानी बातें, कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हो? प्रागभाव, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान को भूतकाल के चक्कर में खोना मत सीखो। क्या बोला? वर्तमान को भूतकाल के चक्कर में खोना मत सीखो।
अब देखना देखना, मैं आपको 99% किस्सा सुना सकता हूँ घरों के, कि 20-30 बातें उठाई तो बहू का मूड खराब हो गया, अब वो ऐसी हो गई, हाँ झट मुंह बन जा, जरा पीहर की कह दो तुम्हारी बुराई कर दियो, मुंह बन जा, लड़ाई झगड़ा सुन। अब वो कह रही अम्मा 20 साल पहले बारात गई थी, वो बाटे में पानी बरस गया था, बाटा जो भाव था सो भाव था, हम खा कर ले अंदर, ये ना सुनना पड़ेगी। उन्होंने भी कही फिर ईद का जवाब पत्थर से, तुम कैसे करते हो, फिर हम भी कह रहे हम कहा करें। बोलो भाई लड़ाई बढ़ाना है, शांति बढ़ाना है कि लड़ाई बढ़ाना है, बोले फैसला तो करना पड़ेगा, सुखी होने का मंत्र तो यही है। हमें तो बड़ा आनंद हो यदि आज ही मालूम, आज ही मान लो समझ लो 5 साल पहले देवरानी जिठानी न्यारी हो गई, 5 साल पहले सास बहू न्यारी हो गई, ये 5 साल बाद भी नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही, मंदिर में देख के भी कहा होगा वो गड़ो मुर्दा। अरे 5 साल हुए अब अलग अलग रोटी बन रही, अब तो मंदिर में अच्छे से बोलो 64 डिग्री विधान हो रहा है, बढ़िया माता जी आ जाओ इधर बैठ जाओ, माता जी ऐसे हाथ पकड़ बैठा दी, जम का पाप लग जी, हो तुम बे हो 5 साल पहले तुमने हमें चावल में घी तक नहीं डाला, अंदर मार गए कहाँ को चावल वो कहाँ की घी, वे अबे तक वहीं बैठी, आपको समझ आ रहे हैं, हम वर्तमान में क्यों नहीं मिल पा रहे, वर्तमान में क्यों नहीं हंस पा रहे, वर्तमान में बात क्यों नहीं कर पा रहे। और सुनोगे और खतरनाक बात, बोलो न्यारे हो गए बोल चाल नहीं कछु आ गए, लेकिन जिस छोटी छोटी बच्चा छोटी छोटी बच्चा पापड़ बना जाए, बेटा अब तुम पुराने जहर की किस्सा सुनो, तुम्हारी दादी कहाँ बताए बेटा, ये कान में जहर भरे जा रहे कान में जहर, अब वो बच्चे दौड़ा दौड़ा दादी के पास चलाएंगे, तो दादी ने कही बेटा तुम्हारी अम्मा हम बुखार में पड़े थे 105 पानी तक नहीं गा। अब बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम जाए तो जाए, मैंने ये मिथ्या दृष्टियों के बीच में रहना मुश्किल है, जहां जाओ वही पुराना जहर, पुराना जहर समझ गए, भूतकाल नहीं भूतकाल की बात है, सुना सुखी होने का एक ही मंत्र है, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो, भूतकाल को धोना सीखो, रोना मत सीखो, इतना बड़ा मंत्र है आपको आनंद दुख दूर हो जाए, इतना बड़ा मंत्र है ये प्राग बात, आप देख लेना अपन घर में होंगे ना घर में सुबह से, तो देख लेना आप वर्तमान में नहीं जी पा रहे, जल्दी करो मंदिर जाने, जल्दी ना लो सफर खोल लो, जल्दी मंदिर चलो जल्दी करो, अब वहां मंदिर की जल्दी कर रहे थे तो वहां ढंग से नहीं ना पाए, अब फिर मंदिर आ गए अब ये पंडित जी तो प्रवचन कराते रहेंगे, अब घर भी तो जाने, अब इधर ही बैठे बैठे घर पहुंच गए, मैंने कहीं शांति से बैठ सकत क्या, एक काम करो जिस दिन शांति हो उस दिन बताना, आप बैठ के बताना शांति से, आप देखना आपका उपयोग कितना भूतकाल और भविष्यकाल में भटकता है, बस सुनो सम्यक दर्शन इसी का नाम है वर्तमान में जीना सीखो, सम्यक दर्शन इसी का नाम है वर्तमान में ज्ञान का अनुभव करना सीखो। एक्चुअली हमें सही बताएं हमें शांति अच्छी ही नहीं लगती, शांति अच्छी क्या नहीं लगती, अभी देरानी जिठानी है नहीं कोई नहीं, अपनी बच्चा भी चाहो उसे सुनाने से क्या फायदा हुआ बता, तो बच्चे ने कहा फिर तुमने उनसे कही कहा नहीं, उन्हें फटकार दे दी, बेटा स्टॉक में रखे हैं कहूं मिलेंगे सब फटकार, और वे मिली तो इतनी पुण्य का उदय था उनका, ब्याह में आए अथवा अच्छे कोई काम में आए तो वहां फटकार को टाइम ही नहीं मिला, बच्चा ने कही मम्मी फटकारो आई आ गई, अरे अरे आ गई, अब कब का सहाय नहीं करने अपने, अपन पढ़ना मत बिगाड़ो, अब उनको एक दिन के लाज आए कहा बुराई ले कहा बात उखाड़े ले, उनके पुण्य को उदय तो तुम कच कह ही नहीं पाए,
लेकिन तुम तो जल ही गए। फुटसार सिद्धि उपाय की भाषा में तुम तो अंदर अंदर तुम कितने तकलीफ में हो। आपको पता है नाव में छेद हो गया, आश्रम बंद माने नाव में छेद, अब उसमें पानी भर रहा है। यहाँ से तुम्हारी आत्मा में कितनी आग जल रही है, तुम्हारी नाव में कितना पानी भर रहा है। भजन तो आप गाते हो, मई धार में नैया डूब रही, गाया भजन गाया कि नहीं? मझधार में है नैया उस पार लगा देना, गाती आप भजन डगमग डगमग नैया, जन कितने सारे भजन है। नाव बीच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा है, गहरी गहरी नदियां नाव बीच धारा है तेरा ही। आपको समझ नहीं मझधार कहाँ है? जे है वो, जे है वो भूतकाल की याद, भूतकाल की याद, जे है मझधार जिसमें आप एक समय भी शांति नहीं पाते, अपने आत्मा को नहीं देख पाते। एक काम कर, आप शास्त्र पढ़ के देखो, जब भी आप स्वाध्याय करते हो ना, आपको आप यदि भूतकाल भविष्यकाल की याद नहीं आए तो नींद आ जाए, नहीं समझ में? आप पढ़ के देखना, पढ़ते समय कुछ आपको भूत भविष्य का याद आएगा, नहीं आए तो नींद नहीं आ जाए। विधान करते करते भी कब पूरा हुई वो याद आएगी, इसका क्या मतलब? आप वर्तमान में नहीं जिए, क्यों? अभी घर जाना है, अभी अभी तो नहीं जाना ना, अभी तो यही बैठी हो ना। अब मान लो यही बैठे बैठे माला फेरो, घरे जाने घरे जाने घरे जाने घरे, तो कब आए निकले? चप्पल ना ले जाए कोई, चप्पल ना ले जाए, चप्पल ना ले जाए, चप्पल ना ले जाए। अब ले जाने हो तो ले ही जाए, और नहीं ले जाने हो तो नहीं ले जाए। नहीं, यहाँ प्रवचन सुनते समय फायदा क्या है ये तो बता। कुछ कहा मैंने इस सभी लोगों के लिए कह रहे, एकाग्रता इसी का नाम है। जो काम करो पूरी तन्मयता से करो, एकाग्रता से करो। पढ़ाई करो तो एकाग्रता से करो। कई बच्चे इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश को पेपर है, केमिस्ट्री को है, बहुत कठिन आएगा, बहुत कठिन आएगा। अब किताब सामने खुली, कठिन आएगा, कठिन आएगा, ये भगवान जहां से ना पूछ ले वहां से ना पूछ ले, का करे का नहीं करे। ये तो पढ़ रहे कि तुम कि पेपर याद कर रहे भविष्य का, बोलो। पंडित साहब एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात, भूतकाल की बातों को शिक्षा लेके भूल जाए। क्या कहा हमने? भूतकाल की बातों को भुलाओ मत, शिक्षा लेके भूल जाओ। शिक्षा क्या है? सुनो भाई, एक बार हम चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तब बहुत इंसल्ट हुई थी, तब से हमने शिक्षा ले ली, अब हम चोरी नहीं करेंगे। सुना भाई, भूतकाल में उनके घर में विवाह शादी में एक ऐसा काम बन गया था, तब से हमें ध्यान है, काय की ध्यान है कि अपने घर में पानी वगैरह ऐसे छानना, भोजन ऐसे बनना है भैया, फिर इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। मैंने भूतकाल की घटनाओं से शिक्षा लेकर के भूल जाओ, अब हम वो गलती नहीं करेंगे, समझ लो। एक बार तुम पेड़ पे से कूदे थी और टांग टूट गई थी, तो तत्काल क्या प्रतिज्ञा करी थी तुमने? भैया ऐसे अब नहीं कूदेंगे, बोलो। नहीं करी, बोलो। नहीं नहीं, फिर कूद जाते वैसे। पंडित जी, उस दिन से हमने कान पकड़े, अब साइकिल धीरे से चला। बोलो बोलो। आपने किसी को उधार माल दिया और पैसा नहीं चुका रहा, फिर कसम खा ले अगली बार फिर देंगे? भैया तो हाथ जोड़े, चाहे माल ना बिके इन्हें नहीं देंगे। दुनिया में जैसे आप भूतकाल से शिक्षा लेते हो, सुनो ऐसी हम तुमसे कह रहे, भूतकाल से शिक्षा ले। इसमें पहली डाल क्यों लिखी है? छह डाला में पहली डाल क्यों लिखी है? शिक्षा लेने के लिए। ये तुम्हारा भूतकाल है। काले अनंत निगोद मंझा भैया, अब नहीं जाने, अब हम ऐसे परिणाम नहीं करेंगे जैसे चार गति हो, ये शिक्षा हो गई। और आगे चलें, बहुत है पाठ,
अब भविष्य प्रध्वंस भाव देखो, अभी कौन सा पाठ पढ़ाएगा? प्राग भाव। प्राग भाव की परिभाषा कौन को याद हुई? नहीं याद। वर्तमान, वर्तमान का भूतकाल में अभाव, वर्तमान का अभाव। अब जब एक शब्द और जोड़ दो, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। एक बात अच्छी तरह समझ लो, वर्तमान में हम भूतकाल में कुछ कर नहीं सकते। जब कर नहीं सकते तो याद करने से वर्तमान खराब क्यों करें? ये बहुत शिक्षा है सुंदर, वर्तमान खराब मत करो, आप सुखी हो जाओगे। अब चलो, अब प्रध्वंस अभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। क्या बोला हमने? वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। अब इसमें भी सुनो, कैसे अज्ञानी जीव की वर्तमान में नहीं जीते, फिर भविष्य के प्लान ही बनाते रहते। शेख चिल्ली देखा? शेख चिल्ली नाम सुना है? शेख चिल्ली मुंगेरी लाल सुना है? मुंगेरी वे प्लान ही बनाते रहे, तुमने देखे प्लान बनाने वाले? अब लंबी स्टोरी नहीं सुनाना चाह रहे हैं, मक्खन जोड़ेंगे, फिर मक्खन बेचेंगे, फिर गैया लाएंगे, फिर गैया को दूध बेचेंगे, फिर भैंस लाएंगे, फिर भैंस को दूध बेचेंगे, फिर दही बेचेंगे, फिर घी जोड़ेंगे, फिर बहुत सारा घी हो जाए, फिर मेरी पत्नी आ जाएगी, फिर वो पैर दबाएगी, फिर एक लात मारूंगा, ढंग से पैर नहीं दबाती, इतने में वो पैर मार दे मारे तो ऊपर घी टंगा था, तो मटका में लगो पैर से मटका फूट गया, तो सारा घी उसमें नीचे, ठंड के दिन थे, नीचे वो जल रही थी तुम्हारी वही अलाव गोर से, तो वहां में घी गिर गया, तो आग लग गई झोपड़ पट्टी में, फूल में आग लग गई, बेचारे को सारे सपने चूर चूर। बहुत बड़ी बात कहना मुझे, सभी लोग सुनना ध्यान से, हम वर्तमान में भविष्य, आपको पता है, आप सब अपने सोच के देखो, हमने भविष्य क्या सपने सोचे थे, वैसे तो पूरे हुए नहीं। फिर से बोलूं, हमने भविष्य के जो सपने सोचे थे वे पूरे हो गए आपके? कौन कौन के हो गए? यदि मालूम है, जितनी बहुएं बैठी हैं इधर, दृष्टांत है, झूठ है, हो सकता है झूठ है, जितनी बहुएं बैठी हैं, यदि इनको रिश्ता बंबई से आओ तो ये मैनपुरी नहीं आती कोई। अब सबके अरमान यही है, एक दिन बंबई से रिश्ता हो जाए, इंदौर हो जाए, दिल्ली हो जाए, बड़ी सिटी है। अब नहीं हो तो नहीं हो, ये आ गए मैनपुरी में, अब क्या करो? अब रोत रहो जिंदगी भर बैठे बैठे, क्या भविष्य को सपना टूट गया? का बताएं, का सोची थी? हर आदमी की पंडित जी, हमने तो सोची थी स्वप्नों में ऐसी राजकुमारी आती थी, उससे शादी करेंगे, लेकिन दिखी नहीं कब। सही बताए ना, जिससे शादी हुई वही सोची थी तुमने? मैं खुल के कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, तो मेरे से पूछो तो फिर पंडित, आपका सोच है कि सुनो, भविष्य में जो होगा उसे हम स्वीकार करेंगे, हम सपने नहीं सजाएंगे। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। यथार्थ को स्वीकार करो। अब ये लड़का भी सोच ले, मुझे फिल्मी हीरो बनना है, और बहुत मेहनत करके सर पटक के मार गया, लेकिन नहीं बन पा, तो जाके हार्ट टूट जाए। अब यहां से ऐसा रहेगा, बोले का बताए, का बताए, का बताए, तो कछु मत बता, जो हो वो बने रहो ना। जो व्यापार होगा उसे करेंगे आराम से। आजकल के बच्चे हैं ना, ये पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हें अच्छे खासे माता पिता की जमी जमाई दुकान मिल रही है, दादा बाबा की दुकान मिल रही जमी जमाई। हाँ हाँ, हम तो गुलामी करेंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी अमेरिका जाके 2 लाख रुपया मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, अब सपने सजा लिए। अब 93% इंजीनियरों को नौकरी नहीं मिल रही, अब अपनी नौकरी को डिग्री है ना, डिग्री को लटका घूम रहे,
वो पूछा ही नहीं करो। पंडित जी मैंने सोचा था सपना हा, मेरा सपना हा, काय का सपना, बहुत बड़ा बनूंगा जो भी बनना है, खाली साल में बन लेना। मैंने नहीं सोचा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैंने नहीं सोचा जो होगा मैं बताऊं। मुझे तो आत्म कल्याण करना जो संभव है, रोटी जैसे मिलेगी वैसे खा लेंगे, जो नौकरी मिलेगी वो कर लेंगे ना। आत्म कल्याण के लिए नौकरी करनी है, नौकरी के लिए नौकरी नहीं करना, मान कसाय के लिए नौकरी नहीं करना, नहीं। अभी एक लड़का है, विधवा माँ का लड़का है, विधवा है माँ, ग्वालियर का लड़का है, अभी हमारे पास मिलने आया है। उसकी माँ सिलाई कढ़ाई कर करके पढ़ा रही है उसे, और पढ़ रहा है वो इतनी इतनी कठिन पढ़ाई इस तरह से, और आईएएस की तैयारी करना जा रहा है दिल्ली, लाख दो लाख तीन लाख रुपये साल के खर्चा माँ कैसे जोड़ रही। हमने उनकी अम्मा को भी समझाया, उसको भी समझाया, लेकिन ना अम्मा की समझ में आई ना उसके समझ में आई। 40-50 लाख रुपये मांग तू उनके खर्च करेंगे, इतना से उतना से उनको खर्चा करेंगे, कर्जा ले लेंगे और फिर नौकरी करेंगे, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान जाने। लेकिन बताऊं, अम्मा बर्तन मांज सकती है, आटा पीस सकती है, वो क्या कर रही हो, सिलाई कढ़ाई कर सकती है, लेकिन मान कसाय है, मान कसाय के लिए। अब वो सुनो, वो जवान लड़का जो पढ़ लिख के तैयार हो गया, पिताजी की दुकान पे बैठने तैयार नहीं आज की तारीख, जमी जमाई दुकान खोलने के उदय से जमी जमाई मिली, कुछ करना नहीं है, बस आराम से बैठो, लेकिन नहीं, हम तो वहां जाएंगे गुलामी करवे। और वहां बॉस गाली देता है, पता है तुम्हें, सरकारी नौकरी में समझ लो SC ST तो भाई बॉस है, वे कैसे बोलेंगे, क्यों रात तक काम करवाएंगे, दारू पियेंगे, अबक्स खाएंगे, लड़ाई झगड़ा हुई है और बात बात में क्यों ऐसा काम करते हो, नौकरी से निकाल दूंगा, धमकी देंगे, सो तुम जी हरी पिल्ला की तरह बोलो, यस यस सर, यस सॉरी सर, सॉरी सर, इतनी सॉरी घर में ही बोल दे, नहीं बाप बहुत खुश रखता है, बाप से नहीं बनेगी, बॉस से बनेगी। एक भी अधिकारी बोल दे, एक भी अधिकारी जैसे माँ बहन की नहीं सुनना पड़ती। मैं अधिकारी कह रहा हूँ, सामान्य चपरासी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकारी की बात कह रहा हूँ। नेता लोग IAS वगैरह कैसा दुरुपयोग करते हैं और कैसे उल्टी सीधे काम करने पड़ते हैं, काले धंधे करने पड़ते हैं। मायावती थी ना उत्तर प्रदेश में, आप कहीं थे उत्तर प्रदेश है ना, मायावती ने ताज गलियारा कांड हुआ था और कौन कौन से कांड हुए, बेचारे भी बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ से बोलती थी पूछो नहीं, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं जी, इधर एक ताज गलियारा कांड में कम से कम 50-60 CA जेल में बैठे हम तक, करवाते इनसे वो सब उल्टा सीधा, और CA जेल में बैठे, नीरव मोदी तो चले गए बाहर भाग के, CA जेल में बैठे, विजय माल्या तो भग गए, वे जेल में बैठे। राबड़ी देवी का नाम सुना, राबड़ी देवी का नाम, बिहार की मुख्यमंत्री आती, वो अंगूठा छापे खुद का नाम लिखना भी नहीं आता था उसे, और IAS वगैरह रहते सेक्रेटरी उनके अगल बगल में, तो इतनी गंदी भाषा बोलती थी, इतनी गंदी, मुए समझिए, मुए समझते, मुए क्या होता, मुए नहीं समझते, मरी मरा, मुए मानो मरी मरा, मुर्दा, मुए माने मुर्दा, क्या मुर्दा जैसे खड़े हो, यहां से बोलती थी कलेक्टर वगैरह सब, ऐसे चाय जैसे बोलती, ऐसे फाइल फेंक दी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब सोचो, मैं इन बच्चों के सामने इसलिए कह रहा हूं, बेटे अपना घर अच्छा, अपना मंदिर अच्छा, अपने भगवान अच्छे, अपनी संस्कृति अच्छी, अब यहाँ का फोटो खींचो आप, चौथे काल जैसा फोटो है, देखो कोई चाय जैसे कपड़ा नहीं पहने, कोई लिपस्टिक नहीं लगाए, कोई पाउडर नहीं लगाए, चौथे काल जैसा दृश्य है जी, बाहर जाके देखो बुरी हालत हो रही है, माने फिल्मी हीरोइनों को तो ऐसा लगा जैसे कपड़ा उतार हुआ कॉम्पिटिशन ही शुरू होगा, वो चाय जैसे कपड़ा पहने, चाय जैसे कूद रहे नाच रहे, उन्हें देख देख के बिटिया बिगड़ रही, ए जब भाई हीरोइन पहन सके तो हम काहे नहीं पहन सके, लेकिन भाई हीरोइन को उपसर्ग भी तो आ रहा है सीन पर, तुम भी नहीं आएंगी,
समझ गया कुछ क्या कह रहे हैं? नौकरी की सोचो ही मत बेटा, हमसे पूछे तो नौकरी मत। पहले जमाने में जैनी लोग नौकरी नहीं करते थे, व्यापार करते थे, बणिक थे, बणिक श्रेष्ठी नाम रखा जाता था व्यापारियों का, नाम श्रेष्ठी, श्रेष्ठ श्रेष्ठी नगर श्रेष्ठी, तो श्रेष्ठी से श्रेठ है, श्रेठ श्रेठ बना श्रेष्ठी का अभ्रंश है ना, अभ्रंश श्रेष्ठ का अभ्रंश है शेठ, मैंने नगर शेठ कहलाते थे। देखो दुकान पे सेठ जी सेठ जी सेठ जी, कलेक्टर को कोई सेठ नहीं कहता, उन्हें नौकर के, यदि अच्छे से भी कहो तो जन सेवक, ये कौन कहलाती है सर, जन सेवक, तो सेवक ही अपन। खैर मुझे तो ज्यादा नहीं कहना, भविष्य के प्लान गलत मत बनाओ, ये कह रहे होने को स्वीकार करो। फिर से बोलू, बोल रहा हूं सब सुनो ध्यान से, जितने लोग आत्महत्या करते हैं वे अपने सपने के बाद टूटने से सपना आत्महत्या करते हैं। एक लड़के ने सोचा 90% से पास होंगे, नहीं भाई मर गए। देख लो आप, 12वीं का रिजल्ट खुलता है, 10वीं का रिजल्ट खुलता है, और 10 5 25 50 बच्चा पूरे देश में आत्महत्या कर ली। देखो सप्लीमेंट्री आ गई, और इतना इतनी मान कसाई हो जाते हैं बच्चा, अब कोई काके वो सब हंसेंगे, सहेलियां हंसेंगी, चलो इतना इतना सरल है तुम्हारा जीवन, क्यों इतने आराम से मिला है तुम्हें मनुष्य भाव? पढ़ के देखो पहली डाल, दुर्लभ लही ज्यो चिंता मणि, क्यों पर आए लगी त्रश तणी। ये तो त्रश की बात करी दो इंद्री की, विश्व में सबसे कम जैन है, जैन कुल में ऐसे ही नहीं मिल गया अनंत बार, तुम केन कहां कहां जन्म लेकर के और गटर साफ करने में जिंदगी चली गई, हत्या करने में स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाने में जिंदगी चली गई, मैंने कहां कहां साग सब्जी बेचने में जिंदगी चली गई, अनंत भाव पहले है तब तुम्हें अनंत भाव में कभी तुम्हें भावना भाई होगी तब ये जैन कुल मिला। जैन कुल मने जिन्हें जन्म से ही ये सुनने को मिलता है तुम भगवान, जन्म से ही भगवान बनोगे, तुम भगवान बनोगे, समझ में आता है? बोलो भाई, रोजाना आप 10-10 बार कहते होगे मंदिर में भगवान बनेंगे, नहीं बोलते? बोलो अरे ये तो बहुत बात की बात है, पूजा करते हो? पूजा जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, क्या मतलब? जन्म भी मिटा दो, मृत्यु भी मिटा दो, और जरा माने बुढ़ापा भी मिटा दो, तो फिर क्या बन गए? भगवान बन गए। जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, बोलो जरा सा जल चढ़ाते हो और सिद्ध पद मांगते हो, भवाता विनाशनाय, क्या अर्थ हुआ इसका? 84 लाख योनियों का भवाता विनाश करने के लिए, अर्थात सिद्ध बनने के लिए, चंदनम अक्षत अक्षय पद, अक्षय पद सिद्ध पद, बोलो अष्ट कर्म देनाय, सुधा रोग विनाशनाय, बोले जाओ मोक्ष फल प्राप्त है, बोले जाओ। ये हमें तो खबर ही नहीं आती, तुम जब पूजा करते हो 10 बार सिद्ध पद मांगते हो, जैसे बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है ना तो पापा से बार बार के पापा हमारा आज को पेपर भी अच्छा गाओ बाई दुआई हो, केमिस्ट्री को पेपर भी बढ़िया गाओ बाई दुआई हो, और गणित को पेपर भी बढ़िया गाओ बाई दुआई हो, ऐसे तुम 8 चीजें चढ़ाते हो 9 चीजें और 10 बार मांगा मोक्ष से ही। बोलो सही बता ना, कौन कौन से धर्म में कृष्ण पद मांगा जाता है, राम का पद मांगा जाता है, खुदा का पद मांगा जाता है, ईसा का पद मांगा जाता है, कोई धर्म में मांगा जाता हो तो बोलो। तुम हो पूज्य पुजारी मैं हूँ, ये भेद है भेद, तुम पूज्य में पुजारी, भेद करूंगा स्वाहा बस अभेद में, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा, अब पामर भगवान बने यह सीख सीखने आया, तुम जैसा बनने के कारण
शरण तुम्हारी आया। काय के लिए आयो? इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषयन में नहीं लुभाऊं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। क्या मांगा, क्या मांगा आपने? बोलो तो क्या मांगा, क्या मांगा बोलो। परमात्म निज पद है, हमें दे रही है। इंद्र नहीं बनने, हमें इंद्र नहीं बनने, क्या करोड़पति बनने, हाँ अंबानी बनना, हाँ हाँ कल हम गलत बोल गए थे, धीरू भाई अंबानी बोल गए थे नहीं, पहले घनश्याम दास बिरला बोलना था, घनश्याम दास बिरला। अब बोलो, सोच कचूरे निकल कचूरे, आज सुबह हमें याद आई, कल कहा कह रहे समझ आया वापस आप तो भविष्य के सपने मत सजा, आत्महत्या मत कर, पता है जब भी शादी होती है ना तो भविष्य के सपने सजाता है आदमी, और लड़की भी सजाती है, और फिर टूट जाता है वो, ये तो पक्के हैं, सबको टूट जाता है, कोई कोई नहीं बचा था। तो फिर एक कोलाइन और रेत, दो जने एक दूसरे के लाए रोज, जब जब मिलत एक कोलाइन और रेत, हमने ऐसी नहीं सोची थी, हम क्या तुमने सोची का आयु, हम पहले ही सही सोचते ना, संसार में कोई सुखी नजर, जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों नहीं, हमने तुमसे बड़ी आशाएं बनाई थी, एक भी लड़की शादी के बाद सुखी हो तो हमें मिलवा दिए, नहीं था वो कल अम्बानी की मैसेज हुई है, वे भी नहीं है सुखी, जैसे अभी जी बच्चे तुमसे कहते हैं मोबाइल दो आप पापा, मोबाइल दो है तो तुमने 700 से मोबाइल पकड़ा दो 500 रुपया, जो नहीं चाहिए 15,000 को दबाओ वीवो वारो। अब जैसे तुम्हारे बच्चे वीवो वीवो चाहते तो अम्बानी की मैसेज 65 लाख रुपए का मोबाइल रखती है, 65 लाख का, और मोबाइल गिर जाए पानी में तो खराब, टेक्नोलॉजी तो 200 रुपये वाली है, टेक्नोलॉजी तो कहीं अलग से आती नहीं है, हमें हीरे जड़वा ले, सोने की एक पतरी लगवा ले, जैसी अभी कल अखबार में आए थे उसके 65 लाख, कितने लाख रुपए का, कितने करोड़, कितने करोड़ का वो था हैंड बैग, 2.5 करोड़ रुपए का, कितना, हाँ 2.4 करोड़ का हैंड बैग, नहीं समझ में आई आपको, हमें 2.5 करोड़ मिल जाए तो हम तुम सब मोक्ष ही पहुंचा दें भाई, हम रोटी खाओ कमाओ बंद करा दें, तुम आप रोटी खाओ रहो आराम से धर्म करो भाई, 2.4 करोड़ का, और कल 47 लाख रुपया के जूता, 47 लाख रुपया के जूता, एक जोड़ी हो दो नहीं, हक्का बक्का रह रहे तो महंगे जूता, और जूता में क्या लगे होता है 47 लाख में कितने सोन हो जाए, हो सही नहीं विचार, मैं तो ये कह रहा हूं भविष्य सपने सजाना नहीं, सुखी होने की विधि है, घर घर में दुख है, घर घर में बेटा एक तुम ही तो हते तुमसे आस थी, सुनो जहां जहां आस भावा निराश, क्या बोला, जहां जहां आशा मामा निराशा, अब तुम पति पत्नी लड़ सके जब मोड़ा के लाए, तुम कहोगे जाए मैं डॉक्टर बनाऊंगे, भी कहेंगे नहीं हमें वो बनाने, लड़त रहे दो ही है, वो कह रहा पप्पा हमसे तो पूछो, हमें तो IPL खेलने, हमें तो क्रिकेट खेलने, नहीं गलत कह रहे बोला, मैंने उन्हें कची वो इन्हें कची, एक गान मोह है ना मोह, अपने पंडित साहब ने मोह माइंड मोह में, तो वहां का एक बच्चा था हमारा छोटा बच्चा था 5 साल का, उसने हमें सुनाया था,
मैंने सास बहू के ऊपर है वही मुझे सुनाया था, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर। जी सोचा था उसने, सबने सोचे थे ऐसे, देखो देखो सास लगा रही बिस्तर, बहू देखने चली गई पिक्चर। अब कमाने वाली बहू आ गई तो उसने लिखा, सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर आटा मारेगी जरूर, मैंने रोटी बनाएगी। देखो सास मर रही आटा, बहू करके चली गई टाटा। और टाटा करके चले, अम्मा हम जा रहे नौकरी, तुम संभालियो पप्पू है। कैसे कैसे निश्चिंत था, ऐसे होगा लंबा चौड़ा है। हमें तो केवल इतना कहना है, कोई सुखी तो नहीं है, तो सपने मत सोचो ना। मेरे पास जब कोई लड़का आता है तो मैं यही कहता हूँ, ये गोपाल दास जी बरैया जी का पढ़ लो, इतनी क्षमता हो तो शादी कर, और नहीं तो ओखली में सिर दिया तो मूसल से। हाँ कहाँ डरने, मूसल से नहीं डरा। सब लोग मिलके कहे बेटा ब्याह कर लो, ब्याह कर लो बेटा, ब्याह कर लो कि दादा फिर तकलीफ भाई। तो अब देखो बेटा तकलीफ तो सबई हो, तो तकलीफ के मार्ग में काहे धका रहे। देखो बेटा अपनी यही संस्कृति है, अरे संस्कृति विकार मिटाने की है, भगवान बनने की है संस्कृति, ये है। बातों में जग की मैं ना आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। बोलो भाई क्या करना है, बोलो बोले सुखी होना है कि दुखी होना है। बोले दुखी रहना है तो बढ़िया, आप ऑटोमेटिकली दुखी हो, अनादिकाल की प्रैक्टिस है आपको, भूतकाल की टेंशन और भविष्य काल के प्लान, भविष्य काल के प्लान बनाते रहो, जी करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे फिर ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। आदमी नंबर दो के धंधे करता है, नंबर दो के तो पहले प्लान सेट कर लेते, वो पैसा मांगेगा तो पैसा फेंक देंगे और सेटिंग कर लेंगे नीचे से ऊपर तक, और वो कितने पैसा मांगे। अरे आजकल के सब कुत्ता हो, चांदी को टुकड़ा फेंको, एक रोटी फेंको, अपना काम बना छोटी। ए अधिकारी कर्मचारी का समझ रहे हो, कुत्ता हो तो तुम अपने बच्चा जब नौकर बनाओगे अधिकारी बनाओगे तो कुत्ता बनाओगे, वो भी कोई से रिश्वत खाएगा। कैसी गजब बात, खुद जब कहते ना कि कुत्ता है उन्हें रोटी डालो अपना काम निकालो, मैंने बेईमानी भ्रष्टाचार रिश्वत खोरी आगे बढ़ जाओ, और अपना बच्चा रिश्वत नहीं खाएगा बेटा, मलाईदार डिपार्टमेंट है। देखो बेटा पैसा ही अपना हो, ऊपर की कमाई से काम नहीं चले, नीचे की कमाई इतनी बढ़िया डिपार्टमेंट है खेचो। समझ में क्या कह रहा हूँ, आप अपने बच्चे को कुत्ता बनना सिखा रहे हो, दूसरे वाले भी यही कहेंगे 10,000 फेंको काम करा ले, 1,00,000 पन्ने कमाए 10,000 इन्हें दे दे, इतनी गंदी सोच है, हमारी बस की नहीं कुत्ता बन गई। समझ में आ रही बात, भविष्य काल के प्लान मत बनाओ, जैसा फिर भविष्य की प्लान नहीं बनाया था तो फिर काम कैसे चलेगा। सुनो वर्तमान में जीने वालों, सुनना ध्यान से, वर्तमान में जीने वालों का भविष्य अच्छा होता है, जब वर्तमान में टेंशन कर रहे तो भविष्य कैसा होगा बता। जब बच्चा रात भर सोचता रहा कठिन पेपर आया तो क्या होगा, कठिन पेपर आया तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, पास हो जाएंगे तो क्या होगा, तो जब फेल हो गए पक्की बात है। अरे तू वर्तमान में पढ़ाई कर एकाग्रता से, वर्तमान में अच्छे पढ़ने वालों का भविष्य अच्छा होता है। अब चलो मुनिराज के पास, मुनिराज वर्तमान में ज्ञायक में रह रहे हैं, आत्मा में लीन रह रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें केवल ज्ञान होगा भविष्य अच्छा होगा,
और मान चलो वो टेंशन करते रहे स्वर्ग होएगा को नहीं, स्वर्ग होएगा को नहीं, वहां देवी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये भगवान देवी मिल जाए तो अच्छी है, स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा, तो परिणाम खराब है तो तिरंज गति में चले जाएंगे। आप बताओ वर्तमान में क्या है कि मेरे मग्न रहने वालों को केवल ज्ञान होता है, कैरियर कितना अच्छा है बोलो, भविष्य कितना अच्छा है बोलो, डरने की जरूरत क्या है। बहुत सरल दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत। बेटा अपने दूध में शक्कर डाली, अब भविष्य के बारे में सोचना चाहिए अपने को क्या होगा, दूध में शक्कर डाल दिया तो अब सोचना पड़ेगा, अरे बोलो सोचने पड़ेगी, अब जो मीठ हो जाए, अब जो मीठ हो जाए, अब जो मीठ हो जाए, इतनी शक्कर डाली तो बहुत मीठ हो जाए, अब शक्कर डाली तो बहुत, अरे नहीं सोचे तो अभी मीठा होगा। ऐसे ही तुम वर्तमान में आत्मा का अनुभव कर रहे हो, नहीं भी सोचोगे तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं सोच रहे तो अभी सम्यक दर्शन होगा। का पतो हम बैठे तो हैं, अब सम्यक दर्शन हुई है कि नहीं, का पतो लगे तुम्हें इतनी पूजा पाठ कर रहे, का पतो सम्यक दर्शन हुई है कि नहीं, भी तो भाग्यशाली इनको होता, अपने तो होता नहीं भैया। नमो हरिहंताड़न पारसनाथ ध्यान धरिए, पारसनाथ भगवान कह रहे तुम अपनो ध्यान नहीं धर पा रहे, हम तुमरो का धरे। मैंने बहुत सिंपल गणित थे, एकदम सिंपल गणित, आप वर्तमान में मस्त रहो, भविष्य अच्छा है आप, बिल्कुल गलत सोचो ही मैं इतना परेशान होने की जरूरत ना है। इतनी देर की शिक्षा समझ में आ गई, वर्तमान में जीना सीखो, भूतकाल की टेंशन नहीं करो, उलाइने मत दो। दृष्टांत है, एक महिला या एक पुरुष एक कमरा में अकेले बिस्तर पर बैठे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, बैठे हैं, कछु भी, अब बताओ उन्हें कौन हैरान कर रहा बैठे, बताओ कोई पाप को दया रहा, कोई गाली दे रहा, बताओ कछु नहीं, लेकिन उन्हें दुखी होने होए तो पता नहीं यहाँ कौन सी भाषा बोलते हो आप, हमें नहीं मालूम, सागर की साइड की याद है, अब ढारे दुखी हो जा, अब ढारे समझ अपने यहाँ भाई। दृष्टांत दे रहे तुम विदाउट टिकट कभी रेल में नहीं गए हो, यू नहीं गए, आज चले जाइए, दृष्टांत बिना टिकट ट्रेन में बैठ जाओ, अब तुम्हें को दिख रहा, को दिख रहा बोल, अब तुम्हें कोई वो टीसी टीसी दिख रहा, टीसी 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 टीसी, अब वही वही दिख रहा है ना, गलत काम करने वालों को भविष्य जाने क्या क्या दिखाई देता है। चार गति की चिंता उन्हीं को होती है जो वर्तमान में सही नहीं होती, क्या बोला, चार गति की चिंता उन्हीं को होती है जिन्हें वर्तमान में आत्मा दिखाई नहीं देता, विदाउट टिकट बैठे ही नहीं, बैठे हो भविष्य ही भविष्य दिखेगा आपको, पकड़ ना ले, मारे नहीं, पैसा नहीं मांगे, ऐसा नहीं हो जाए, इंसल्ट नहीं हो जाए, वो तो लगेगा। लेकिन हम एक बात करें, अभी आप शांति से बैठे, अभी तो कोई पाप पौधे नहीं, अभी तो तकलीफ नहीं, लेकिन जिन्हें दुखी होना होता है वे भूतकाल की बुरी बुरी बातें सोच सोच के दुखी होते, क्या कहा, भूतकाल की बुरी बातें याद करके पाप का उदय ले आती, अभी पाप का उदय नहीं, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, अच्छे खासे रोटी खा पी के बैठी, अब सोच रहे देखो बहू कैसे बोली थी परसों के दिन, ऐसे बोली थी झुचकार क्या, बता दे कैसे बोली थी, कैसे बोली थी, अब वही 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 कैसे बोली थी, और तुम लोग वो सड़क पे उन्होंने कैसे बोल रही थी हमें, हमें अब मिल जाए, अब यहां से करते फालतू सुना, भूतकाल की उसकी पर्याय भी नष्ट हो गई और तुम्हारी पर्याय भी नष्ट हो गई। एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि मैंने आज गारंटी ली ना आपको सुखी करने की, सुखी नहीं हो तो मत जाना, और ये दो मंत्र पकड़ लिए तो सुखी हो जाओगे। आपने कभी देखा है सभी लोगों ने अपनी साइकोलॉजी होती, साइकोलॉजी अपन अचानक गुस्सा कर बैठते हैं तो बाद में पछतावा आता है, अपने को भी पछतावा आता, अपने नहीं बोलना था, इतना नहीं डांटना था, बच्चे को बहुत मार दिया, इतना नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो मार ही चुके। अब आपने देखा है पिताजी तो बेटा में सूट के चले गए, चले और फिर उन्हें पछतावा भी हुआ, बच्चा रो रहा था और बुरा भी लगा और सॉरी भी लग रही अंदर, लेकिन उन्होंने बच्चे से कुछ नहीं कहा, देखा है आपने,
और बच्चा क्या सोच रहा है बता, पापा बहुत खराब, पापा बहुत खराब, पापा बहुत खराब। जबकि पापा मारने के तत्काल बाद ही सुधर गए, उन्हें बड़ी करुणा आ रही है, बड़ा प्रेम आ रहा है अपने बच्चे पर। हो जाता नहीं हो जाता, नहीं होता कभी। सुनो, ऐसे ही किसी हमारे पाप का उदय था ना, पाप का उदय उतनी देर के लिए सामने वाला कोई कुछ कहता है और बाद में भूल जाता है और चला जाता है और सुधर भी जाता है, लेकिन हमारा एक मिनट का पाप का उदय था। पॉइंट पकड़ो, एक मिनट का पाप का उदय था इसलिए किसी ने हमें बुरा कहा। आप देखना, 24 घंटा आप बुरा नहीं कह सकते, आप घंटों तक बुरा नहीं सोच सकते, निकली और चले गए। कई बार तो ऐसा होता है, अपन किसी घर गए और उन्होंने हंस के जय जिन्हें नहीं करी, उन्हें उनका मन भी खराब नहीं था आपके प्रति, आपका बुरा भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन जय जिन्हें नहीं करी हंस के, अपने काम में लग गए। अब तुम वापस घर आ गए और 10 साल बाद तक भी तुम्हें वो चेहरा याद, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हंस के नहीं बोले, हंस के नहीं बोले, गाली तो नहीं दी थी, हंस के नहीं बोले भाई, इतनी तकलीफ 10 साल तक। फिर तुमने 4 लोगों से कही तो 4 लोगों ने उनसे कही, कहे तुम कछु मुझसे बुराई है थी, नहीं तो हमारी तो कछु बुराई नहीं, तो तुम हंस के कहे नहीं बोले। ए बाद इनकी कह रहे 10 साल पहले, अरे बाद हम क्या बताएं, हमारे सोने को हार दूंगा, हम भाई वही टेंशन में थे, सोने को हार कांगा कांगा कांगा, हम भाई टेंशन में थे तो हो सकता हम हंस के नहीं भूल पाए हो, लेकिन हमारे मन में तो कछु नहीं थी। ले अब वहां के मन में कछु था ही नहीं 10 साल, और इन्हें 10 साल कर्म भुगत ले, 10 साल पाप का उदय भुगत लिए, ये भाई हमारी ओर से क्षमा मांग लियो, कछु बात नहीं, हम कह रहे लिया क्षमा मांग लिया राम का बात। आपने देखा कई बार सामने वाले का हृदय भी खराब नहीं हो तो भी पाप का उदय निमित्त बन जाता है। तुम्हें सुखी होना तो एक ही विधि करो, हम अनुमान नहीं लगाएंगे, जब तक कोई हमसे साफ नहीं कह दे तब तक हम अनुमान नहीं लगा के दुखी होंगे। सबके जीव हैं, सबके उदय अलग अलग हैं, सब एक से नहीं होते। हम तुम्हारे घर आए और तुमने पानी नहीं पिला, अब हो सकता है हम 25 साल तक सोचा था इन्हें पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, एक ही बात तो गए थे पानी तक नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया। अब सही बताओ, करणानियों से बोलो, करणानियों से 25 साल पहले तुम्हारे पानी पीने का उदय नहीं था, कायदे से तो तुम्हारा उदय नहीं था, उन्हें इसलिए नहीं पिलाया कि उन्हें पिलाना नहीं था, तुमसे दुश्मनी आती इसलिए नहीं पिला रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तुम्हारा उदय नहीं था। 25 साल बाद उन्हें पता लगी कि पंडित जी क्षमा करियो, आप हमारे घर आए हमें पानी को नहीं पूछ पाए, हमारे तो मन में कुछ थी नहीं, लेकिन जाने कहा हमारी सूझी नहीं, कई बार देखो सूझी नहीं, क्षमा कर दे बस, खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो भैया, आपको पाप का उदय छोटा भुगतना है कि लंबा करके भुगतना है, बस अंतिम चर्चा। बोलो भाई, छोटा पाप का उदय भुगतना है कि बड़ा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हम तो कह रहे भुगत ही का है पूरे, लेकिन कम से कम बड़ो करके तो मत भोगता। कई तो काय, कई कई तो काय, कई कई तो काय, कई कई तो काय, कई कई बार कई तुम कई हो काय, कब तक लगे? मेरे संग भी घटती है, लोग कहते हैं विद्वान आपकी बुराई करते हैं, तो मैं खुश होता हूँ बिल्कुल सही कर रहे, और मैंने तो प्रवचन में कई बार कहा सारे देश के विद्वान इकट्ठे हो जाएं तो जितनी बुराई उन्हें नहीं मालूम मैं बता दूंगा मेरी, ताकि तुम सच्ची सच्ची कर सको। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी असली बुराई कर सके, पूरी तो कर ही नहीं सका, पूरी तो कर ही नहीं सका। हमें अनंत दोष है, वे एक आदमी बता रहे, और वे एक आदमी हमरो नहीं बता रहे, शरीर को बता रहे। सुमत की भाषा खराब है, बहुत सास बहू के दृष्टान दे, तुझे तो भाषा की बुराई कर रहे, तो हमारी थोड़ी कर रहे, हमारी करो, हमसे पूछो हम बता देंगे तुम्हें अपने दोस्त, हमारे मोह कितना है, राग कितना है, द्वेष कितनी है, कसाय कितनी, जे असली बुराई हम बता देंगे तुम्हें, हमें लोभ है हम बता देंगे, हम कौन सी बात है, तो असली करो बुराई, लेकिन बेबी बेचारी नकली बुराई करे तो हम कहा बताए, तो अब हमें दुख ही नहीं हो, नकली बुराई कर रहे, हमारी बुराई करो के जानो जब जाने हो। समझ में आ रही किसी बात, तुम्हारी कोई असली बुराई करके बता दे जब जाने हो, फोकट के दुखी हो रहे, फोकट के भाई, समझ में आई बात, लंबा लंबा करके दुखी मत हो, भूल जाए,
उन्हें कही थी, कह देंगे बाटे उनको परिणाम वैसे ही होंगे, कह देंगे। आपने देखा कभी कभी पति देवता पत्नी पे चिल्ला चोट करके चले गए, बहुत जम के, पागल पागल कहीं की पागल है ऐसे। अब बच्चा 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 ने मम्मी से कही, मम्मी तुम पगलू पगलू चुप, कह पापा कह रहे थे कछु नहीं हुआ, हम कह रहे थे तुम बेटा पापा तो हम जाने थे पापा को सियाद बाद, ये तो किसी अपेक्षा से कह, और तू थोड़ी समझा तू तो सही में पागल समझ रहा, ये तो ऊंचे ही कहे ऊपर ऊपर से, उनको मूड ठीक नहीं हो तो कह दे, और मूड ठीक हो जाए तो वे तो फिर अच्छी अच्छी भी कहे। पॉइंट पकड़ में आ गए, मैंने पत्नी को पति की बात का बुरा नहीं लगता जी कह रहे हैं, क्यों उसे पता है मूड खराब होता तो कह देते, ऐसे यहां समझो उनकी तीन कसाय होगी इसलिए उन्हें बुराई की होगी, हमें उनकी बुराई नहीं मान रहे, जब मंद कसाय होगी तो भाई सॉरी बोलते हैं, भाई हाथ जोड़ लेंगे, हम क्यों बुरा मान रहे। आई बात समझ में आई भैया, अपने परिणाम में भी तीव्र कसाय हो तो भी बुरा नहीं मानना, घबराना नहीं, क्योंकि तीव्र कसाय चली जाएगी, तीव्र सुन लो अंतिम लाइन, तीव्र कसाय अपराध करती है गलती करती है और मंद कसाय क्षमा मांगती है, और मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, मैं तो तीव्र कसाय में भी ज्ञाता हूँ, आगे बोलो मैं मंद कसाय में भी, मात्र जानना मेरा काम, सामने वाले को भी लगा लो, सामने वाला भी तीव्र कसाय में गुस्सा करेगा मंद कसाय में प्यार करेगा, बोलो क्या करने, कौन सी सच्ची माननी, बोलो बोलो कौन सी सच्ची माननी। अब जो दुखियारी महिलाएं होती है, दुखियारी महिलाएं उन्हें पति प्रेम भी करत ना तो वे रूठी रेत दुखी रेत, आओ अब पुटिया नहीं लगी, अब रोटी खाने से पुटिया नहीं लगी, काम नहीं करने से अब पुटिया नहीं लगी, अरे अब तो खुश हो जा, जब प्रेम कर रहे तब तो खुश हो जा, कि नहीं तब भी रोने हैं, और जब इस डांटे थे तब तो रोने है ही, तो बताओ ऐसी दुखियारी भाई को जिंदगी में कब खुश होगी। ऐसे ही पुण्य पाप का उदय विचार नहीं करने वाले दुखियारी भाई सदा दुखी, पुण्य के उदय में भी दुखी और पाप के उदय में भी दुखी। देखो हम दो बार झूठ बोल चुके, अंतिम अंतिम कहेगा भाई, अंतिम एक और अंतिम कह रहे हैं, अब जरूर छोड़ देंगे, मैंने पूरी कोशिश कर रहे हैं छोड़ देंगे। बोलो भैया जो दुखियारा भाई आ गया ना बीच में, तो उसका दृष्टांत देके खत्म कर दे, 10 दिन से रोटी नहीं खाई, सामने रोटी रखी थी सो नहीं खा रहे, काहे नहीं खा रहे, क्या बताएं, 10 दिन पहले कक्का के घर गए थे उन्होंने तक नहीं खुआई, 9 दिन पहले बुआ के घर गए उन्होंने नहीं खुआई, 3 दिन पहले भैया के घर में गए उन्होंने तक भगा दो, ऐसे 10 दिन की रामायण गाई, तो अब 10 दिन की रामायण खत्म, अब तो खाए ली, अब आज तो तुम खुआ दो कल को खुआ, तो कल भी अमरे दिन खा ली हूँ तो पर अगले साल, आप समझ आए दुखियारा भाई, न ये पुण्य के उदय में सुखी होता है न पाप के उदय में सुखी होता है, बेचारा वर्तमान में जीना नहीं सीखता, वर्तमान में आत्मा अनुभव करना नहीं सीखता, वर्तमान में ज्ञायक देखना नहीं सीखता, ऐसे दुखियारे भाई मत बनना भाई, ओम नमः शिवाय।